नमस्कार, कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, क्या आप भी ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 2B से डायरेक्टली जीएसटीआर 3B को फाइल कर देते हैं? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको हो सकता है बहुत भारी नुकसान, डिपार्टमेंट के नोटिस भी आने के चांसेस आपको लग सकते हैं। इसको हम फील करते हैं लाइव एग्जांपल के माध्यम से कि अगर आपने जीएसटीआर 2B के एक्सेल को डिटेल में बिना चेक किए हुए ऑटो पॉपुलेटेड डेटा पे विश्वास किया तो आपका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। तो आइए डिटेल में इस वीडियो को देखते हैं। मैंने एक लाइव एग्जांपल लिया हुआ है कि आप देखिए कि ये दिसंबर 2022 महीने का एक पर्टिकुलर जीएसटीएन का ये ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, अगर इसको आप देखोगे तो जो ऑल अदर आईटीसी में है 1 लाख एंड 1 लाख आपको शो हो रहे हैं, ये ऑटो पॉपुलेटेड आपको दिखाई दे रहा है। जब इसका मैंने एक्सेल सीट डाउनलोड किया तो मुझे लगा कि इस एक्सेल सीट को एक बार चेक करना चाहिए। जब एक्सेल सीट मैंने देखा तो यहां पे भी 192 ये नेट ऑफ में आ रहा है। जब आप B2B इनवाइस वाले टैब पे हम गए तो वहां से हमने कोशिश किया कि सेंट्रल टैक्स को एक बार ऐड किया जाए। जब हमने ऐड किया तो आप ध्यान से देखिए, जब इसको हमने ऐड किया तो जाहिर सी बात है जितना ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आ रहा है उतना ही आना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ये जो पैसा है आपका 2,68,981 रुपया, जबकि साइट पे जो पॉपुलेट हो रहा है वो 1 लाख केवल हो रहा है। आप देख रहे हो, अगर ऐसा ऑटो पॉपुलेटेड डेटा पे आप जो गए जीएसटीआर 3B अगर फाइल करने, तो आप देखिए ध्यान से यहां पे 191 आ रहा है, वहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और। जब हमने इसको लॉग अंदर देखा तो अंदर जाने के बाद और डिटेल्स में पता चला हमें कि देखिए यहां पे भी 192 ही आ रहे, जबकि हमने जीएसटीआर 2B जो डिपार्टमेंट का ही एक्सेल है वहां पे 2,68,000 आ रहा है। अगर आपने इसके बेस पे अगर जीएसटीआर 3B को फाइल कर दिया तो काफी नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आप जीएसटीए के हेल्प डेस्क पे जाएंगे, वहां पे एक कंप्लेन या ग्रेवेंसेस रेज करेंगे। जब मैंने रेज किया तो उसके उपरांत अभी भी रिटर्न ये गया नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 192 ही आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा इस 192 में, तो अगर थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं तो आप यहां पे देखिए कि आपके सामने जब करेक्शन होने के बाद ये डेटा जो आया है वो आया है। आप देखिए यहां से कर्सर रखने के बाद अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 192 जो है वो सिस्टम कंप्यूटेड अब 268 हो चुका है, ये पहले 192 ही आ रहा था। तो ध्यान पूर्वक आपको क्या करना है, जीएसटीआर 3B जब फाइल करने जा रहे हैं आप, तो बिल्कुल हड़बड़ी ना करें, बिल्कुल भी आप उसको लाइटली ना लें। आप एक बार एक्सेल सीट को जरूर आप चेक करें कि आपका ये जो डेटा है और यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी की जो डेटा है, क्या ये दोनों मैच कर रहा है। अभी तक आपने देखा ये सिस्टम ऑटो पॉपुलेटेड 192 ही दिखा रहा है। तो इसलिए आज का वीडियो, आज का छोटा सा अपडेट, एक प्रयास कि अगर आप जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेटेड डेटा को डायरेक्टली आप सबमिट कर देते हैं तो आपको नुकसान भारी उठाना पड़ सकता है। एक छोटा सा प्रयास, छोटा सा अपडेट कि क्या आप भी ऑटो पॉपुलेटेड डेटा से सीधे डायरेक्टली 3B को फाइल कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। एक बार जीएसटीआर 2B के एक्सेल को जरूर डाउनलोड कीजिए और उस डाउनलोडेड डेटा को पहले एनालाइज कीजिए, देन आप जीएसटीआर 3B को फाइल करिए। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और नियर बाय को शेयर कर दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।